असला इन माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे सबको अपने हिफ्स अमान में रखे आमिन आमीन तो बस इसी दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज करती हूँ और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये है चिकन कॉर्न सो बेसिकली सर्दियाँ स्टार्ट होने को हैं मौसम बदल रहा है और हमेशा बदलते मौसम में बच्चों की तबीयत ज़रूर डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पर आजकल मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे बच्चों की तबीयत डिस्टर्ब है और उनके लिए पहले तो मैंने सोचा मैं यखनी बनाऊँ लेकिन यखनी थोड़ा सा यू you नो know, बच्चे तंग करते हैं पीने में तो मैंने सोचा क्यों ना यखनी का मौसम तो अभी आगे आ रहा है ऑन एंड ऑफ बनती रहेगी और ये मैंने सूप बना दिया था और शाम का टाइम था तो यहाँ पर बस बच्चों को सूप दे रही थी अगर आपको मेरी सूप की प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे सर्च करें बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी वे है आप जरूर जाइए विजिट करें और बनाइए फीडबैक देना मत भूलिएगा और जनाब ये था अब रात का टाइम और खाने की तैयारी हो रही थी खाने में यहाँ पर मैंने आज बना दी थी चिकन बिरयानी और यहाँ पर बस में फाइनली दम लगाने लगी थी बिरयानी को बिरयानी तो ऑल टाइम हम सभी की मोस्ट फेवरेट है बट बच्चों वाले घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लाइक like उनके मूड पे डिपेंड होता है कभी वो शौक से खा लेते हैं और कभी नहीं तो दूसरी तरफ साथ ही मैंने पास्ता बना लिया था स्पैगेटीज़ एंड पास्ता मिक्स और ये तीनों चीज़ें जिसमें फ्रेश सैलड हो गया है ग्रीन चटनी हो गई और दही मतलब ये तीनों चीज़ें अगर मेरे खाने में ना हो तो मुझे हमेशा लगता है कि भाई खाना अधूरा है तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा खाना रेडी था जनाब ये था आज का हमारा डिनर और बस चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी बहुत मज़े की बनी थी लाइक ऐसी थी कि ना ही फीकी थी और ना ही तीखी थी बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी जबकि पास्ता इस टाइम उन्हें छोड़ दिया था वो उन्होंने नेक्स्ट डे जब वो स्कूल से आए तो उन्होंने खा लिया था जनाब यहाँ पर हम खाना खा चुके थे और ये एंड में मैं स्वीट बना रही थी और ये ऐसी यू you नो know, स्वीट है जो कि झटपट बनने वाली है और बहुत ही यमी और बिकॉज अब तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो यहाँ पर मैंने खीर बनाई थी ये सिंपल मैंने ब्लेंडर में चार स्लाइस ब्रेड के डाले थे इसमें मैंने आधा कप डाल दिया था मिल्क पाउडर का और साथ ही मैंने इसमें एक कप क्रीम डाल दी थी और फ़ोर टू फाइव टेबल स्पून कंडेंसड मिल्क इन सभी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंड करने के बाद सिंपल बाउल में ऐड किया आप अपने पसंद के कोई भी नट्स ऐड करें और यहाँ पर बस इतनी देर रखी थी कि थोड़ा सा यू you नो know, बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो बट एक अच्छे से थिकनेस आ जाए उसकी कंसिस्टेंसी बन जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई आधे घंटे बाद अब मैं सर्विंग कर रही थी तो यहाँ पर हमने ये खीर इंजॉय कि ये आप जरूर बनाइएगा और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं प्रॉपर रेसिपी इसकी शेयर करूंगी आपके साथ इन बहुत डिलीशियस बहुत ही थी और बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी जनाब ये नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों का मैं स्कूल लंच रेडी कर रही थी और यहाँ पर सिंपल आज मैं इनको सैंडविच दे रही थी चिकन पैटिस थे मेरे पास और मैं शॉर्टकट वे में चल रही थी कि मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको फ्राई कर लूँ और उसी के बच्चों को सैंडविच बना दूँ तो यहाँ पर एक एक स्लाइस पे मैंने केचप ऐड किया अराउंड वन टेबल स्पून और एक एक स्लाइस पे मैंने मायो ऐड कर दिया था स्प्रेड करने के बाद जो चिकन पैटिस थी उसे ऑलरेडी मैंने फ़्राई कर लिया था और बस यहाँ पर एक एक स्लाइस पे मैंने चिकन पैटीज और दूसरे स्लाइस पे मैंने आप देख सकते हैं सलाद पत्ता रख दिया था आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें लाइक बंद गोभी खीरे टमाटर प्याज एज यू लाइक like. और यहाँ पर बस मैंने हल्का ग्रिल कर लिया था ये टोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो ना भी ग्रिल करें टोस्ट कर लें या ना करें एज़ यू लाइक और जी यहाँ पर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जब हम वापस घर आए तो हार्दिक के बाबा ने कुछ ऑफिस वर्क करना था और इतनी यू नो मॉर्निंग में नाश्ते का मूड बिल्कुल भी नहीं होता हम थोड़ा नाश्ता लेट करते हैं तो कोई फ्रूट खा लेते हैं जो भी घर पे हो सेब हो अनार हो यू you नो know, जो भी तो यहाँ पर मेरे पास अनार थे तो सिंपल मैं उनको पील कर रही थी और यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रही थी कि जो मैं करती हूँ बहुत ही आसान तरीका है सिंपल अच्छे से वॉश कर लें वॉश करने के बाद ड्राई करें दैन इसका टॉप पार्ट है ऐसे इस शेप में सर्कल शेप में काट लें और ये चार साइड से इसको या पांच साइड से आप हल्के कट लगा लें जो कि छिलके पे लगें बहुत गहरे कट नहीं लगाने ताकि अनार के दाने स्पॉयल ना हो तो बस हाथ की मदद से जब हम इन पार्ट्स को खोलते हैं तो दाने खुद ब खुद अनार के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं लाइक मैं इनको बाउल में ऐड कर रही थी और इससे बिल्कुल भी मैस नहीं होती और जी ये थी हमारी दावत मम्मी अबू की तरफ और बेसिकली मेरी बहनों ही आए हुए थे बाहर से तो मम्मी अबू ने हमें डिनर पे इनवाइट किया सबको ताकि गेट टुगेदर भी हो जाए और खाना भी इंजॉय कर लें बहुत टेस्टी खाना था ये मटन कढ़ाई थी बीफ के सीख कबाब थे यखनी पुलाव था और टिक्के थे साथ में चिकन रोस्ट था और ग्रीन चटनी थी बहुत डिलिशियस था सब कुछ बहुत टेस्टी खाना था तो हम सब ने एक साथ खाना इंजॉय किया साथ में मेरी क़़न थी वो आई हुई थी उससे भी मुलाकात होगी और बहुत इंजॉय किया हम सब ने स्वीट में यहाँ पर भाभी ने ट्राइफल बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था बस लास्ट में हमने ये स्वीट इन्जॉय की थोड़ी देर हमने गपशप की चाय पी और फिर हम वापस घर आ गए थे तो बस ये जो अपनों के साथ बीते तो हुए लम्हात होते हैं मतलब इनसे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता खाना तो जस्ट एक बहाना होता है इस बहाने से आप लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं खूबसूरत लम्हे इन्जॉय करते हैं तो आई होप आपको यह व्लाग पसंद आया होगा दुआओं में रखिएगा याद अल्लाह हाफिज़